For the first time, people from academia, government, media, industry, and police are sitting together to see the future challenges of policing, how tech-driven policing will ultimately emerge, what challenges and opportunities we all have. And the main message which we want to give through this conference, you should always be using whatever we have for any research purpose, for any other thing, and any idea you think we can implement. पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में अलबैरूनी रिसर्च सेंटर के ज़ेरे एहतमाम पुलिसिंग को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के हवाले से टेक ड्रिवन पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब पुलिस को दरपेश मसाइल और जदीद क्राइम्स के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया गया। टेक ड्रिवन पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में महकमा पुलिस, एजुकेशन, मीडिया, कानूनी माहरीन और दीगर शोबा है जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुलिसिंग में तब्दीली, मुहरकात और उसके असरात बारे माहिराना राय पेश की और अवाम को तहफ्फुज़ की फराहमी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बारे तबादला ख्याल किया। ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने एकेडमी, इंडस्ट्रिया के लोग इकट्ठे किए जिन्होंने उन्हें ये बताया कि किस तरह से टेक पुलिसिंग इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि किस तरह से ये अपना रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान के शहरियों को प्रॉपर रिलीफ फराहम करने के लिए। यहाँ पे जो डाटा शेयर किया गया वो बहुत वैल्यूएबल था। सबसे अच्छी बात ये है कि फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन हो रही है कि जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है सेफ सिटी के थ्रू उसको कैसे इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिजिटल ट्विन्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस तरह से यूज़ इसमें कर सकते हैं, स्पीच और टेक्स्ट प्रोसेसिंग किस तरह से इसमें यूज़ होगी। का जो इनिशिएटिव है प्रोडक्टिव पॉलिसिंग का वो सिटीजन्स के लिए, कम्युनिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इससे हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको टाइमली और रियल टाइम पे डिसीजन लेने में और उनको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा। कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक 140 तहसीलों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। कामयाबी यह है कि ये जो कुछ लिख रहे हैं आप और वो जो कुछ कह रहे हैं आप, ये उस दरख्वास्त वाले तक रिलीफ पहुँच जाए। इफ इट हैज़ टू बी रिजॉल्व, इट हैज़ टू बी रिजॉल्व ऑल ओवर दिस प्रोविंस। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का ये इकदाम क्राइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल में पुलिस के लिए मुआविन साबित होगा।